में पता चलेगा, मजिस्ट्रियल जांच में जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि कौन, अगर कोई ऑफिसर जिम्मेदार था, कोई एजेंसी जिम्मेदार थी। लेकिन इस वक्त हम जांच की बात करें, किसी को भी नहीं बख्शेंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे, एक बार जांच के नतीजे आ जाएंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हमने आपको बताया था कि पहुंचेंगे, घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त की, दिल्ली के डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, भीषण अग्निकांड हुआ, उस बिल्डिंग के पास पहुँच चुके हैं और उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली के मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, अधिकारी भी उनके साथ हैं। तो अब लोगों से बात कर रहे हैं सीएम, अधिकारियों से बात करेंगे, जिन लोगों ने जान गंवाई है जाहिर है उनके परिजनों से भी सीएम बात कर सकते हैं। इस दौरान दो तस्वीरें, पहली तस्वीर इस वक्त की लाइव तस्वीर है, सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। हमने पहले आपको जानकारी दी थी, हमारे संवाददाता भी आपको बता रहे थे कि सीएम किसी भी वक्त घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीर में आप देखिए इस भीषण अग्निकांड के बाद का मंजर, ये है, ये बेहद डरावना है, क्योंकि अब बिल्डिंग तो खाक हो चुकी है लेकिन इस भीषण अग्निकांड में 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लोगों ने अपनों को खोया है। अभी तक 29 लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जाहिर है कि अभी मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि 12 लोग घायल हैं जिनका उपचार जारी है। तो मुंडका पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इससे पहले इनकी ओर से ट्वीट कर भी दुख जताया गया था। अब इस मामले में जाहिर है जाँच भी होगी, मामले में FIR हो चुकी है, कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, दो लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है, फॉरेंसिक टीमें मौजूद हैं, मृतकों की पहचान का सिलसिला भी जारी है, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने का, उनको तलाशने का अभियान भी जारी है, दूसरी तरफ घायलों का उपचार जारी है। तो ये भीषण अग्निकांड और इसमें कई तरह की अनियमितताएँ भी सामने आई हैं NOC को लेकर, और साथ ही चूँकि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसमें कल चूँकि कोई कार्यक्रम बताया गया, जिसके चलते 250 से 300 लोग जिस वक्त आग लगी उस वक्त अंदर मौजूद थे, जिसके चलते ये हादसा मृतकों की संख्या के लिहाज से, आंकड़े के लिहाज से बड़ा हो गया। तो मुंडका अग्निकांड, अब तक लोगों के शव बरामद होने का सिलसिला जारी था, 27 शव मिल चुके हैं, 29 लोग अभी लापता हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुँचे हैं, उनके साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। तो घटना में अब तक 12 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं जिनका उपचार जारी है। तो घटना मुंडका के पिलर नंबर 545 के पास की एक बिल्डिंग की इलेक्ट्रॉनिक सामान का गोदाम बताया गया, जिसमें घटना हुई। और वाकई इस घटना ने पिछले कई बड़े अग्निकांड जो रखे उनकी याद दिला दी, दर्दनाक ये हादसा, 27 लोग मारे जा चुके हैं, आंकड़ा बढ़ने की आशंका है, NDRF लगातार इसके अभियान चलाए हुए है, मृतकों की संख्या में अभी वृद्धि संभव है। जी हाँ, ये सीधी तस्वीर आप देखिए दिल्ली से इस वक्त की। तो देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बातचीत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास ही पहुंचे हैं, घटनास्थल का जायजा ये ले रहे हैं। और कल चूंकि आग लगी थी शाम 4:40 पर आग लगने की सूचना दमकल को दी गई थी, उसी वक्त 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची, बाद में इस संख्या को बढ़ाया भी गया, आग बुझाने के प्रयास तेज किए गए, लेकिन 27 लोगों की जान गई है। बेहद दुखद ये हादसा अपने आप में, और केवल इसे लापरवाही नहीं बल्कि इसे क्राइम के तौर पर देखा जाएगा, गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, 27 शव मिल चुके हैं, 29 लोगों की अभी कोई जानकारी नहीं है, लापता हैं जिनका कह सकते हैं आप तलाश जिनकी जारी है, सर्च अभियान चलाया गया है, हालांकि काफ़ी लोगों को बचाया भी गया है, काफ़ी लोगों को बचाया गया है, निकाला गया है। तो 3 मंजिला ये कमर्शियल बिल्डिंग बताई गई है, ट्वीट भी किया गया था अरविंद केजरीवाल की ओर से। पहली तस्वीर लाइव देखिए और दूसरे हिस्से में, स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया था इस मामले को लेकर, इस घटना से हैरान हूँ, आहत हूँ, मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ, हमारे बहादुर कर्मी लोगों को बचाने में जुटे हैं,
और भगवान सबका भला करें, ये भी उनकी ओर से प्रार्थना की गई है। तो दो तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर में आप देखेंगे, लाइव है ये तस्वीर। इस वक्त मुंडका से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और ये आग के बाद का जो इससे पहले आपने तस्वीर देखी अग्निकांड के बाद का मंजर ये था। ट्वीट किया गया तो भीषण रहा शुक्रवार का दिन, बेहद भयानक रहा। जो लोग बिल्डिंग में फंसे थे, जाहिर है उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से इस हादसे का अग्निकांड का शिकार होंगे, अपनी जान से हाथ धो देंगे। 27 लोगों की मौत, 29 लोग अभी लापता, मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता। कि इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंडका पहुंचे हैं, जायजा वो ले रहे हैं। कैजुअलिटी की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 लोग उस वक्त मोटिवेशनल स्पीच में थे सेकंड फ्लोर पर। उतना नहीं है, लेकिन अभी मैं आधिकारिक तौर पे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जब तक सारा DNA वगैरह की जांच नहीं हो जाती तो एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा किसकी लापरवाही कई जगह पे रही। ये जांच में पता चलेगा, मैजिस्ट्रियल जांच का जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि कौन, अगर कोई ऑफिसर जिम्मेदार था, कोई एजेंसी जिम्मेदार थी, लेकिन इस वक्त हम जांच की वेट करें। एक और इसमें है कि सिविक बॉडीज से लेकर फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है। लगता है कि कहीं ना कहीं जो निचले लेवल पर किसी को भी नहीं बख्शेंगे, एक बार जांच के नतीजे आ जाने दीजिए।